आज हम बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना मावा के, बिना काजू के यूनिक सी मटर पनीर की सब्जी लेकर आए हैं। ये घर के सामान से ही बनकर झटपट तैयार हो जाती है और ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आइए देख लेते हैं मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। ये 250 ग्राम पनीर है, ये ताजी मलाई है, ये खड़े मसाले हैं कुछ, ये अदरक है कसा हुआ, धनिया कटा हुआ, फेंटा हुआ दही, टमाटर की प्यूरी और कच्ची मटर छिली हुई, कटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पानी। सबसे पहले हम अपनी मटर उबाल लेते हैं, इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। तब तक हमारी मटर उबल रही है, तब तक हम अपना ये मलाई गरम कर लेते हैं। ये हम लगातार इसको चलाते रहेंगे हल्की आंच पर। मलाई हमारी मेल्ट हो गई है, मलाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब हम थोड़ी देर इसी पर रख कर चलने देते हैं। अब मटर को देख लेते हैं, मटर हमारी उबल गई है, गल गई है मटर हमारी। अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और चलनी से इसका पानी निकाल देते हैं। मलाई ने घी को छोड़ दिया है, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक कटोरे में मैंने चलनी रख दी है, इस पर मैं अब इसको छान लूँगी। ये हमारा घी अलग हो गया है, हम अपनी यूज में ले लेंगे और इस पनीर को हम अपनी मटर पनीर की सब्जी में डालेंगे। अब हम कटोरा के ऊपर स्टीम टे को रख दिया है हमने और इस पर ये हम टेक देंगे ताकि ये घी नीचे निकल जाए। अब हम गैस को जलाकर हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने और हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पनीर में भी घी है थोड़ा सा। इसमें मसाले भूनेंगे अपने, ये तेज़पात का पत्ता, ये 2 क्रश करके मैंने इलायची डाली है, दालचीनी, 5-6 लौंग, 4-5 काली मिर्च, अब इसको भून लेते हैं हम, चलाते रहेंगे लगातार ताकि ये मसाले जले नहीं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, अब इसको भी भून लेंगे। अब ये हींग, मैंने प्याज लहसुन नहीं डाली है इसलिए मैंने हींग डाली है और ये 2 लाल मिर्च डाली है मैंने, इसको भी भून लेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। ये टमाटर की प्यूरी डाल दी, इसको भी अब चलाते रहेंगे लगातार। अब ये मैंने अदरक डाला है, मैं अदरक डालना भूल गई थी। अब ये फेटा हुआ दही डाल रही हूँ, इसमें ताज़ा दही डालें, खट्टा ना डालें नहीं तो टेस्ट हमारा अच्छा नहीं रहेगा। अब इसको मिला लेते हैं।
इसमें मैंने मिर्च डाली है कटी हुई, इसमें हमने धनिया पाउडर डाला है, इसको भी मिला देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, इसको भी मिला देंगे। और टेस्ट के अनुसार नमक, इसको भी मिला देंगे। अब इसमें हम ये अपना पनीर डाल देंगे। देखो ये कितना चिकना है, इसलिए मैंने घी कम डाला था। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जब तक इसमें घी निकल कर बाहर नहीं आ जाता। ये 2 मिनट हो गए हैं मुझे रखे हुए। अब ये देखिए घी हमारा बाहर आ गया है और अच्छी तरह से ये मसाला भुन गया है। कितना सुंदर कलर आया है इसका। पनीर से हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें उबाल आ गया, हम मटर डाल देंगे अपनी। आप इसमें फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रोजन मटर डालनी हो तो ऐसे ही डालें, और ये वाली मटर डालें तो उबाल कर डालें। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं इसे। अब इसमें पनीर डाल देंगे हम। अब इसे हल्के हाथ से हम चलाएंगे। पनीर हमारा मिल गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि पनीर में हमारा मसाला चला जाए। ये हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। ये पनीर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब धनिया डालेंगे हम इसमें, अब इसे भी चला देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, यूनिक देसी स्टाइल में मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं अक्सर अपने बच्चों को यही वाली सब्जी बनाकर खिलाती हूँ। मेरे बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद आती है। आप भी इस सब्जी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कैसी बनी।